अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद आयशा अय्यूब। होपफुली माय ऑडियो फैमिली सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, चॉप्ड ऑनियन है, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, साथ में मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया है, साथ में मैंने लिया है इसमें चॉप टमाटो। सारी चीज़ों को इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं बॉल में और इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाला जात। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। और अगर आज आप मेरे साथ सपोर्ट करेंगे तो मेक श्योर कि इंशाल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर मिलेगा, और आप भी जब कोई काम करते हैं तो आपको भी उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट होती है, फिर इंसान जो है ना, जो किसी का सआदत है अल्लाह उसकी जो है मामला आसानी के साथ हल कर देता है। ये मेरा पर्सनल बिलीव है। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। देन आई विल बीट इट, बहुत इसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसके अंदर वो वेजिटेबल्स हैं, तो बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रीपेयर कर लेते हैं अच्छे से ब्रेड की स्लाइसिस की कटिंग, बिकॉज इसके अंदर हमने इसकी फिक्सेशन करनी है, इसकी फिलिंग करनी है, तो बहुत एहतियात के साथ इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पर। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ अपनी वीडियो, तो बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी जो मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, होपफुली जो है ना मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा गला जब डिस्टर्ब होता है फिर बोला नहीं जाता। और मैंने मोस्टली जो शॉर्ट्स पे वीडियो अपलोड किए हैं वो मैंने साउंड के साथ ही अपलोड किए हैं विदाउट माई वॉइस। अभी मैंने इसकी कटिंग कर ली स्लाइसिस की, आपने देखा है इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, 1 पैन इसको टोस्ट भी बोला जाता है, इसमें मैंने पैन में ऐड कर लिया है 2 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल। आफ्टर दैन इसके अंदर जो कटिंग फ्रेम है इसका वो हम ऐड कर लेंगे ब्रेड का। इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे बैटर, जो भी हमने वेजिटेबल और एग का बैटर रखा हुआ है मिक्सचर, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इट लुक्स सो डिलीशियस। और जब ये बेक हो जाता है, पक जाता है, यकीन करें बहुत ही मज़े का डिलीशियस है। इसको हम पिज़्ज़ा सॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए इसके ऊपर जो इसकी कटिंग हमने इसके अंदर निकाली थी ना ब्रेड, उसके ऊपर हम इसको फिल कर देंगे ऐसे, जैसे ढक्कन कवर कर देते हैं ना, और ये अपने आप ही उसके साथ, बिकॉज उसके अंदर एग है तो इसके साथ जो है ना बहुत अच्छे से अटैच हो जाती है। 2 मिनट इसको हमने प्रेस किया और ये बहुत अच्छे से उसके साथ फिक्स हो गई है। आफ्टर दैन हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर लिया और इतनी यमी लुक आ रही है ना इसकी, वाव लुक सो डिलीशियस एंड यमी। ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है एंड वेरी हेल्दी एंड प्योर ऑर्गेनिक है। अगर आप ऑयल फ्री यूज़ करेंगे इसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें या फिर देसी की यूज़ करें तो प्योर ऑर्गेनिक जो है ना ये आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी जो है टॉपिंग इसकी कर लेंगे ऑनियंस के साथ, या जो भी आप वेजिटेबल्स पसंद करते हैं या सलाद यूज़ करते हैं वो साथ में आप ले सकते हैं। टोमेटो केचप इसके ऊपर स्प्रेस किया, साथ में इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे यंग स्प्रेड या फिर मायोनीज, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे यंग स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। आफ्टर दैन हम इसको जो है ना इंजॉय करेंगे। देखिए इसको कैसे खाते हैं और कितना यमी है। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं चलिए एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक लिए Take care a lot of yourself. Allah Hafiz.